उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पुनर्वास नीति में बदलाव करने जा रही है। इसी सिलसिले में बातचीत करने वे जगदलपुर जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि नई पुनर्वास नीति का परिणाम थोड़े समय बाद देखने मिलेगा। पुनर्वास नीति बहुत अच्छे बनने वाली है। मैं कल जगदलपुर जा ही रहा हूँ, कुछ लोगों से मुलाकात है, कुछ स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात है, जो जाकर के नक्सली लोगों से जिनकी मुलाकात भी होती है उनसे भी बात होती है, तो उनसे भी एक बार बात करके क्या हो सकता है, और सारे लोगों से भी मिलकर के एक अच्छी पुनर्वास नीति भी ला रहे हैं, विक्टिम रजिस्टर भी बना रहे हैं, उसके बाद उसके लिए भी बड़ा काम हो रहा है। मतलब ये पक्ष बहुत बड़ा है जिसका परिणाम आपको थोड़े दिन में दिखेगा, तो आपकी रुचि बढ़ेगी उसमें। वही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में परिवर्तन की लहर है, राज्य सरकार गरीब और किसानों के हित में निष्क्रिय रही है, जिसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। गया था प्रचार में, ओडिशा में बदलाव की लहर है, ओडिशा में 25 सालों तक अबाध शासन किया है पुराने बाबू ने, परंतु पुराने बाबू ने कुछ नहीं किया ओडिशा के लिए। वहाँ पर मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि धान की बहुत अच्छी पैदावार है, परंतु किसानों को धान के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं, केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीदी होती, वह भी 16 क्विंटल। गरीबों को अगर चावल दिया जाना है तो 5 किलो जो केंद्र का आता है वही दिया जाता है, राज्य सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं दिखता है। तो मसला क्या है, क्या हो गया? 25 साल की स्थायी सरकार अगर जनता ने दी है तो पुराने बाबू ने कुछ किया क्यों नहीं, और अब भी अपने उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उड़ीसा से किसी बाहर के व्यक्ति को। इन सारे विषयों को लेकर के बहुत आक्रोश है उड़ीसा में। श्री शर्मा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए महादेव ऐप और कोल घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि ईडी ने अपने प्रेस नोट में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।